नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल दुबे और आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। आइए चलते हैं कुछ खास खबरों के साथ। केंद्रीय औषधि मंत्री सदानंद गौड़ा प्लेन से बेंगलुरु पहुंचे पर क्वारंटाइन नहीं हुए। सवाल पर कहा, मैं मंत्री हूं, मुझ पर जिम्मेदारियां हैं। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए मोदी सरकार लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग और क्वारंटाइन नियमों का पालन करने की अपील कर रही है, लेकिन देश में घरेलू उड़ानें शुरू होने के पहले ही दिन केंद्रीय औषधि मंत्री सदानंद गौड़ा ने इन्हें नहीं माना। वे सोमवार को विमान से बेंगलुरु पहुंचे थे, लेकिन विमानों से आने वाले यात्रियों के लिए कर्नाटक सरकार की क्वारंटाइन गाइडलाइन का पालन नहीं किया। गौड़ा से इसके बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, मैं मंत्री हूँ, मैं औषधि मंत्रालय देख रहा हूँ। अगर दवाइयों और अन्य चीजों की सप्लाई सही नहीं होगी तो डॉक्टर मरीजों का इलाज कैसे कर पाएंगे? क्या तब सरकार की विफलता नहीं होगी? इसके बाद चीन की घुसपैठ। लद्दाख में नियंत्रण रेखा के पास भारत चीन के बीच तनाव बढ़ा। 2017 के डोकलाम विवाद के बाद सबसे बड़े टकराव की आशंका। पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के आसपास चीन और भारतीय सेना के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है। दोनों सेनाएं आमने सामने हुई तो 2017 के डोकलाम विवाद के बाद ये सबसे बड़ा विवाद होगा। भारत ने भी पोंगोंग त्योल झील और गालवान वैली में सैनिक बढ़ा दिए हैं। इन दोनों इलाकों में चीन ने 2000 से 2500 सैनिक तैनात किए हैं। पूर्वी लद्दाख में LAC पर भारत चीन के बीच करीब 2 महीने से तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस बीच चीन ने भारतीय इलाके में 10 किलोमीटर भीतर घुसकर 100 से ज्यादा तंबू गाड़ दिए हैं। इस महीने दोनों देशों के सैनिकों के बीच 3 बार। नौतपा का पहला दिन लू की चपेट में उत्तर और मध्य भारत। मध्य प्रदेश के 20 जिलों में पारा 44 डिग्री से ज्यादा। राजस्थान के कई शहरों में 46 डिग्री रहेगा तापमान। दिल्ली एयरपोर्ट से पहले दिन का हाल, ना SMS आया ना फोन, ऑनलाइन भी फ्लाइट कैंसिल नहीं दिखा रहा है। एयरपोर्ट पहुंचे तो स्टाफ बोला, आपकी फ्लाइट कैंसिल है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल RD News को, साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।